हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पुकेचुए के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको टोटल 6 प्रो टिप्स देने वाला हूं, जो मुझे जो लगता है आप लोगों को ये नहीं पता। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहां पर जो आपको टिप्स मिलेगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। एंड इसको आपको 2024 में यूज करना है, अगर आप जो आपका अकाउंट है उसको प्रो लेवल तक लेके जाना चाहते हो। प्लस गाइज, यहां पर और भी बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 2024 क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहां पर आपको पोकेमॉन को अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ ये चैनल में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड देखो, 6 जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए आज का जो लाइक एम है वो बहुत ही कम होने वाला है। 200 लाइक जो आपको कंप्लीट करना है आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टिप्स है वो क्या है, स्टे अप टू डेट। मतलब आपको जितना भी अपडेट है पोकेमॉन गो रिलेटेड उसके साथ आपको अप टू डेट रहना है। मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो स्पॉटलाइट आवर, कम्युनिटी डे और भी जैसे गो फेस्ट एंड अदर जो इवेंट होता है, ठीक है। तो गाइस देखो, अप टू डेट रहने का मतलब क्या है। अभी देखो स्पॉटलाइट आवर में हमें कभी कभी इवेंट्स में क्या मिलता है, 2x कैंडी, 2x स्टारडस्ट, उसके बाद देखो 2x एक्सेल कैंडी, कभी कभी ऐसा इवेंट्स मिलता है स्पॉटलाइट आवर में भी, कम्युनिटी डे में भी। तो गाइस आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का मेन फोकस है ये जो इवेंट्स है यहां पर शाइनीज को गेट करना। लेकिन गाइस ये इवेंट्स में जो बोनस मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 2x कैंडी ट्रांसफर। मतलब जैसे स्पॉटलाइट आवर में सबसे ज्यादा होता है, जब भी आप कोई भी पोकेमॉन को ट्रांसफर करोगे वो पोकेमॉन का जो कैंडी है वो आपको डबल करके मिलेगा। तो गाइज यहां पर बहुत लोग क्या करते हैं, स्पॉटलाइट आवर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मान लो कोई भी एक पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर पकड़ लो, ईवी पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर चल रहा है, तो ईवी पोकेमॉन का जो स्पॉटलाइट आवर हो रहा है वहां पर आप बहुत सारा ईवी इसको कैच कर रहे हो एंड कैच करने के बाद उसको ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पर आपको डबल करके कैंडी मिल रहा है। तो गाइज ये आपको नहीं करना है, ये आप कर रहे हो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन गाइज देखो, अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को पता है एक मेगा रेड हुआ है, वो है मेगा गार्चोम का रेड। तो मेगा गार्चोम के रेड में आप लोगों ने ढेर सारा मेगा गार्चोम को कैच किया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको मेगा गार्चोम को स्टॉक करके रखना है। जब भी ऐसा कोई इवेंट आएगा कि 2x कैंडी ट्रांसफर, तो आपको क्या करना है, उस टाइम में जो मेगा गार्चोम या गार्चोम आपको नहीं चाहिए उसको ट्रांसफर करना है। इससे क्या होगा, आपको जो गार्चोम का कैंडी है वो भी डबल करके मिलेगा। एंड स्पेशली जब भी कोई आप लेजेंडरी पोकेमॉन, मान लो कि जो लेजेंडरी रेड्स होता है, कोबलियन का रेड हुआ है, आपने 10 कोबलियन को कैच किया है, अभी आपको 10 कोबलियन तो नहीं चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, वहां पर जो मतलब जो कोबलियन आपको नहीं चाहिए, जिसका सीपी कम है, आईवी कम है, उसको आपको ट्रांसफर करना है। लेकिन कब करना है, जब ये ऐसा कोई इवेंट आएगा जहां पर 2x ट्रांसफर कैंडी आपको मिल जाए, उस टाइम में करना, आपको डबल करके कैंडीज मिलेगा, ठीक है। अभी आते हैं सेकंड टिप्स। सेकंड टिप से मेक सम फ्रेंड्स। तो गाइस देखो यहां पर क्या टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, यहां पर आपको फ्रेंडशिप करना है दोस्तों के साथ। अभी आप लोग बोलोगे दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप करके आपको क्या फायदा मिलेगा, यहां पर आपको ढेर सारा फायदा मिलेगा। लाइक सबसे ज्यादा जो एक्सपी हम लोग ग्राइंड करते हैं वो हम लोग फ्रेंडशिप से कर सकते हैं। लाइक जब आप फ्रेंड के साथ, देखो फ्रेंडशिप में बहुत सारा स्टेज होता है, आप लोगों को पता है, बेस्ट फ्रेंड, अल्ट्रा फ्रेंड, ग्रेट फ्रेंड, ठीक है। तो जब आप ये लेवल्स तक जाओगे तो वहां पर जब आप उसको गिफ्ट सेंड करोगे या कुछ भी करोगे, एक्टिविटीज, जिम फाइट करना, एक साथ बैटल करना, तो वहां पर आपको ढेर सारा करके एक्सपी मिलेगा। ये तो एक फायदा है। सेकंड फायदा क्या है, देखो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको एक दोस्त चाहिए, ठीक है। विदाउट फ्रेंड आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अभी फ्रेंड ट्रेडिंग इसका क्या रिलेशन है, अभी मैं आपको बताता हूं। ऐसा भी हो सकता है कभी कि आपका एग्जाम चल रहा है, आपका कुछ काम है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट एक रेड हो रहा है, म्यूटू का रेड पकड़ लो, ठीक है। अभी आपने म्यूटू का रेड मिस कर दिया, तो अभी म्यूटू आपको कैसे मिलेगा, म्यूटू तो रिटर्न आएगा लेकिन वो कब आएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट करना है, भाई मैं आपको ये पोकेमॉन देने वाला हूं, उसके बदले में आप म्यूटू दो। तो ये जो रिलेशन है ये बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको फ्रेंडशिप करना है। अभी आते आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है भाई, खुद का एक कम्युनिटी बिल्ड करो, देखो कि आप जो लोकेशन में प्ले करते हो वहां पर और कोई प्ले करता है कि नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप करो। ये बहुत ही मुश्किल है, अगर ये ना हुआ तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ उसको सब्सक्राइब करो। एंड वहां पर ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको लगभग 1500 मेंबर मिल जाएगा वहां पर, तो वहां पर जाके आप फ्रेंडशिप कर सकते हो बहुत लोगों के साथ, ठीक है। देखो लिमिट ही होता है 400 फ्रेंड आप पोकेमॉन गो में रख सकते हो, तो वहां पर आपको 1500 एक्टिव मेंबर मिल जाएगा, अभी आप फ्रेंडशिप कर सकते हो वहां पर जाके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ एंड चैनल में जाके सब्सक्राइब कर दो। अभी गाइस आते हैं थर्ड जो टिप्स है,
टिप से क्लीन योर स्टोरेज गाइस। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है लाइक जब कम्युनिटी डे आता है तब बहुत लोगों के साथ ये होता है, जब आप स्टोरेज चेक करते हो वहां पर सिर्फ ओनली आपके पास कितना गैप होता है 5 पोकेमॉन का, लेकिन आपको कम्युनिटी डे में तो भर भर के शाइनी गेट करना है। तो गाइस यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छा फंडा बताने वाला हूं। देखो आप चाहते हो तो पोके कॉइन से स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को पता है पोके कॉइन्स भी कलेक्ट करना कितना मुश्किल होता है। तो गाइस सिंपली यहां पर जो मेथड मैं यूज करता हूं एंड जो आप लोग खुद प्रैक्टिकल देख पाओगे, जो पोकेमॉन्स मैं कैच करता हूं डेली वो लेजिट वे में हो सकता है, या अगर आप लोकेशन चेंज मेथड जो स्पूफिंग होता है वहां पर भी अगर आप पोकेमॉन को कैच करते हो तो दिन में आपको 10 मिनट रखना है। जो पोकेमॉन आपने डेली कैच किया है वहां पर ऐसा भी बहुत सारा पोकेमॉन्स होता है जिसका सीपी अच्छा नहीं है, आईवी अच्छा नहीं है एंड जो आपको नहीं चाहिए, तो उसको आपको डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स रखना है एंड डेली उसको क्या करना है, उसको ट्रांसफर कर देना है। तो आपको सिंपली ये करना है, तो इससे क्या होगा आपका जो स्टोरेज है वो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हम लोग डेली पोकेमॉन को कैच करते हैं जहां पर ढेर सारा ऐसा पोकेमॉन्स होता है जो हमें नहीं चाहिए, सीपी अच्छा नहीं है, आईवी अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए वो पोकेमॉन, तो मैं खुद रख के क्या करूं। तो उसको आपको डेली क्या करना है, क्लीन करना है। तो ये भी आपको काम करना है, ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं नेक्स्ट इसके साथ रिलेटेड जो टिप्स है वो है टिप्स नंबर 4, चेक द हुंडोज। मतलब देखो 100 आईवी जो पोकेमॉन से, तो सिंपली गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो हर एक पोकेमॉन को तो आपको कैच करना है। अभी गाइस जब आप पोके जो स्टोरेज है उसको जब आप क्लीन करोगे डेली, तो वहां पर आपको एक चीज देखना है, जो पोकेमॉन को आप ट्रांसफर कर रहे हो वो पोकेमॉन 80 आईवी से लेके 100 आईवी तक है कि नहीं। अगर उसमें वो पोकेमॉन है तो उसको गलती से भी ट्रांसफर मत करना। लेकिन यहां पर एक मैं एक चीज आपको बताता हूं, मान लो कि आपके पास 3 ग्रावली थे, उसमें एक ग्राउलिट 97 आईवी, एक 100 आईवी एंड एक लाइक 81 आईवी, तो वहां पर जाके आप 81 आईवी को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वही रेंज में पोकेमॉन है 81-85 तो मत करना, ठीक है। 80 जो आईवी होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको हुंडोस को डेली चेक करना है, क्योंकि 100 आईवी जो पोकेमॉन होता है सबको पता है, एक तो रेयर होता है एंड सेकेंड बैटल के लिए खतरनाक पोकेमॉन होता है, खतरनाक पोकेमॉन होता है। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अगर जो ई स्पोर्ट आएगा जो पीवीवी बैटल के ऊपर, वहां पर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 100 आईवी पोकेमॉन आप वहां पर विन नहीं कर पाओगे ठीक से, ठीक है। तो अभी से 100 आईवी पोकेमॉन कलेक्ट करो, ठीक है। अभी देखो इसके साथ साथ और एक मैं आपको ऐड कर देता हूं, है फेवरेट पोकेमॉन, जो बहुत लोगों को नहीं पता। फेवरेट पोकेमॉन सिलेक्ट करने के बाद ऐसा एक येलो स्टार में आ जाता है, तो इसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो आप जो आपका फेवरेट पोकेमॉन है उसको तो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ही बहुत लोगों को नहीं पता, वो क्या है पता है। देखो जब आप पोकेमॉन्स को ट्रांसफर करते हो तो आप क्या करते हो, अभी मान लो कि आपने आज के दिन में 150 पोकेमॉन को कैच किया है, वहां पर 50 पोकेमॉन्स आपको नहीं चाहिए जिसको आपको ट्रांसफर करना है, आप क्या करोगे 50 पोकेमॉन्स को सिलेक्ट करोगे एंड एक साथ ट्रांसफर कर दोगे। तो सिंपली गाइस आप लोगों को क्या करना है, जो 100 आईवी है या जो अच्छा पोकेमॉन से जिसका सीपी अच्छा है उसको फेवरेट में सिलेक्ट करके रखना है। तो जब आप मतलब बहुत सारा पोकेमॉन्स को ट्रांसफर करोगे, गलती से भी कभी भी अगर वो पोकेमॉन सिलेक्ट हो गया तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। जब बहुत लोग पोकेमॉन को ट्रांसफर करते हैं तो बहुत अच्छा पोकेमॉन लाइक शाइनी पोकेमॉन्स, कभी कभी 100 आईवी पोकेमॉन्स ट्रांसफर हो जाता है। एंड गाइस अगर एक पोकेमॉन ट्रांसफर हो गया गलती से भी तो वो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा आपके पास, तो आपको और एक दूसरा कैच करना पड़ेगा, ठीक है, जो बहुत ही रेयर होता है। आप लोगों को पता है 100 आईवी पोकेमॉन कितना रेयर होता है अगर आप लेजिट प्ले करते हो। तो आपको जो 100 आईवी पोकेमॉन्स या शाइनी पोकेमॉन्स या जो हायर सीपी पोकेमॉन्स है उसको फेवरेट करके रखना है, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं नेक्स्ट टिप, डू नॉट प्यूरिफाई शैडो पोकेमॉन्स। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो शैडो पोकेमॉन में हमें अभी बहुत सारा लेजेंडरी, अभी देखो यहां पर शैडो पोकेमॉन में ये नहीं जो फुद्दू पोकेमॉन्स हमें ग्रंट के साथ फाइट करने के बाद मिलता है उसको आप चाहते हो तो प्यूरिफाई कर सकते हो, लेकिन जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स लाइक शैडो म्यूटू, शैडो आर्टिक्विनो, शैडो मोल्ट्रेस जो हमें रिसेंटली मिला है, इसको कभी भी प्यूरिफाई मत करना। क्यों नहीं करना है अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो शैडो पोकेमॉन्स होता है गाइस वो एक 100 आईवी नॉन शैडो, ठीक है, 100 आईवी जो पोकेमॉन्स होता है, जो शैडो पोकेमॉन्स नहीं होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, देखो शैडो मोल्ट्रेस एंड सेम 100 आईवी नॉर्मल मोल्ट्रेस, यहां पर जो शैडो मोल्ट्रेस उसका आईवी अगर 80 आईवी भी हुआ ना वो आराम से वो 100 आईवी मोल्ट्रेस को डिफीट कर देगा। तो शैडो पोकेमॉन को जो लेजेंडरी पोकेमॉन से उसको प्यूरिफाई बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, उसको ऐसे ही रख दो एंड वैसे ही पावर अप करो, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो गाइज अभी आते हैं लास्ट जो टिप्स है,
वो है पीबीबी बैटल। आप लोगों को पता है जो जीबीएल बैटल होता है पोकेमॉन गो में, बहुत लोग पूछते हैं भाई ट्रेडिंग करना है स्टारडस्ट नहीं है। तो गाइस अगर दिन में सबसे ज्यादा अगर आप स्टारडस्ट कहीं से ग्राइंड कर सकते हो वो है पीबीपी बैटल। आप दिन में एटलीस्ट 20-30 बैटल्स कर लोगे पीबीबी में एंड वहां पर आपको ढेर सारा करके एज अ रिवॉर्ड में स्टारडस्ट मिलता है। तो स्टारडस्ट ग्राइंड करने के लिए पीबीपी बैटल वन ऑफ द बेस्ट एक सोर्स है एंड वहां पर अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो फ्यूचर में जब कोई भी बैटल कंपटीशन होगा तो वहां पर आप फाड़ दोगे बिल्कुल। तो अभी से अगर प्रो बनना है बैटल करना है तो क्या क्या करना है उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो जल्दी आने वाला है। आपको कैसे मतलब जो डेली रूटीन है उसको सेट करना है अगर आप एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन ई स्पोर्ट्स में प्ले करना चाहता है अगर पोकेमॉन गो का ई स्पोर्ट्स आया। तो गाइज वो वीडियो बनने वाला है एक अच्छा प्लेयर आप कैसे बन सकते हो। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही था वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई 20K जल्दी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।